वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिसऑर्डर होती है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हेवर मेडिकल यूनिवर्सिटी के व्यू की जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, न्यू स्लाइड्स हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है ये आप देख ले खुद। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सारे हम कवर कराएंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो होती है इसमें हमारे पास 4 डिसऑर्डर है। एक बेनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉपी होती है, दूसरा जो है हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, और तीसरा प्रोस्टेट एंड टेस्टिकुलर कैंसर है, और 4 जो है इनफर्टिलिटी है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे एक 1 बाई 1। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस, द डक्टल सिस्टम, द एसेसरी ग्लैंड एंड द पीनस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो टेस्टिस होती है मेन जो ऑर्गन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास डक्टल सिस्टम होती है, एसेसरी ग्लैंड होती है, ठीक है, और पीनस होती है। ठीक है, तो ये नीचे देखे ड्राई डायग्राम में तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगी। तो उसकी ब्लैडर जो होती है, ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड पे रेक्टम होती है। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लैडर है, और ब्लैडर के जो है सिम्फेसिस प्यूबिक के पोस्टीरियर ब्लैडर होती है, और ये हमारे पास टेस्टिस हैं। ठीक है, ऐसे जो एपिडिडाइमस जो होती है, वास डिफरेंस भी कहते हैं, वो आते हैं इसी तरीके से। ठीक है, ब्लैडर में। ठीक है, और पीनस भी है, यूरेथ्रा भी है। ठीक है, और हमारे पास सेमिनल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर है, ये हम 1 बाई 1 की डिजीज़ उसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर के एम नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तो ज़रूर और बरवक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होती है, तो और टेस्टिकल क्या है। ठीक है, तो द टू ओवल टेस्टिस आर टेस्टिकल आर इनक्लोज इन द स्क्रूटम। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रूटम में जो है वो इनक्लोज होती है। ठीक है, अ सिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट लाइज सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो ये वॉल शेप होती है और ये बाहर की तरफ जो है वो एक्सटेंडेड हुआ होती है। ठीक है, तो एब्डोमिन के वॉल की तरफ। ठीक है, तो दिस पोजिशन कीप्स द टम्परेचर इन द टेस्टिस बिलो नॉर्मल बॉडी टम्परेचर। तो ये बॉडी टम्परेचर से जो है वो नॉर्मल बॉडी टम्परेचर की तरह होती है, इसीलिए वो बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड्स किया हुआ है। ठीक है, तो विच इज़ नेसेसरी फॉर द वायबल स्पर्म प्रोडक्शन। तो उसके जो रीजंस होती हैं, तो रीजंस यही है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प देते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 होती है और स्पर्म जो प्रोडक्शन की टेम्परेचर होनी चाहिए वो 35 होना चाहिए, तो इसीलिए वो बाहर की तरफ जो है वो स्क्रूटम में एग्स जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो डिसेंडेड किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ईच टेस्ट इज कंटेन 1 or 3 क्वाइल स्पेरोपेरस ट्यूब्यूल होती है दैट प्रोड्यूस द स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखे कि स्पर्म प्रोडक्शन किस जगह से होती है, तो ये हमारे पास स्पेरोपेरस ट्यूब्यूल से होती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि 3 क्वाइल शेप का होती है। ठीक है, 1 टेस्ट में 3 क्वाइल शेप का स्पेरोपेरस ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी जो है मिलियन ऑफ स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस डेली। ठीक है, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस होती है डेली मिलियन। ठीक है, द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, समझ गए। द टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक को क्या करा देते हैं, डिवेलप करा देते हैं। ठीक है, तो इसको देखो जो स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है ना, तो ये वास डिफरेंस है, ये बॉडी उसने बनाया हुआ है। ठीक है, वास डिफरेंस का, और ठीक है, और ये हमारे पास हेड ऑफ द क्या है कि एपिडिडाइमस है, तो एपिडिडाइमस बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, 46 सेंटीमीटर तकरीबन और उसकी लेंथ होती है। ठीक है, और उसकी जो स्पेरोपेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, तो इस जगह पे स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ट्यूनिका एल्ब्यूकेन जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है टेस्टिस के। ठीक है, फिर डक्टल सिस्टम होते हैं, तो डक्टल सिस्टम में एपिडिडाइमस आती है। ठीक है, ये जो पहले था वो हमारे पास टेस्टिकल होते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं कि जो डक्टल सिस्टम है, तो एपिडर्मिस स्पर्म प्रोड्यूस इन द सेमिपेरस ट्यूब्यूल इमीडिएटली ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क ऑफ टेस्टिकल डक्ट। ठीक है, तो फिर एपिडर्मिस का मेन फंक्शन जो है जो स्पर्म को नरिशमेंट देता है और उसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, और ये नेटवर्क पर टेस्टिकल से चले जाती है। ठीक है, तो दिस पैसेज वे कंटेन सीलिया दैट स्वीप्स फ्रॉम आउट ऑफ द टेस्टिस इनटू द एपिडर्मिस, अ टाइटली कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर दैट लाई सुपीरियर टू द टेस्टिकल एंड एक्सटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है सुमेरोपेरस ट्यूब्यूल से जो क्या है कि उससे अटैच हुआ होती है, ठीक है, और उसकी जो है जो स्पर्म प्रोड्यूस होती है तो रीटी टेस्टिस के थ्रू जो है वो फिर आ जाती है किस जगह पे, वास डेफरेंस पे, और उस वास डेफरेंस के थ्रू जो है वो फिर आ जाती है और आर्गन में, ठीक है, मतलब इजैकुलेटरी सिस्टम में आ जाती है। तो द स्मूथ मसल विद इन द वॉल ऑफ द एपिडर्मिस कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। तो सेक्सुअल जब इंटरकोर्स के दौरान वो क्या हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है और फिर उससे जो है हमारे पास क्या होते कि मतलब स्पर्म प्रोडक्शन करा देती है। ठीक है, दिस पोर्स द स्पर्म टू द डक डिफरेंस वास डिफरेंस। ठीक है, तो फिर वो वास डिफरेंस के थ्रू जो है वो पोर्स लगा दिया जाते हैं और स्पर्म जो है वो जो वास डिफरेंस या एपिडर्मिस में आया हुआ है, ठीक है, तो इस एपिडर्मिस जो है वो स्पर्म इजाक कराते हैं, मतलब बाहर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, द वास डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 18 inches होती है और 46 centimeters लॉन्ग एंड राइज एलॉन्ग द पोस्टीर वॉल ऑफ द टेस्टिस। तो पोस्टीर वॉल ऑफ द टेस्टिस से एपिडर्मिस प्रोड्यूस होती है और ये स्पर्म वगैरह को लेके जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि पोस्टीरियर एज इट मूव्स अपवर्ड इट पास थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द पेल्विक कैविटी लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एंड जॉइंट विद द इजैकुलेटरी ड्रग्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये अपवर्ड की तरफ चली जाती है, ठीक है, और आ जाती है द ब्लैडर के ऊपर चले जाती है और इंग्वाइनल जो कैनाल होती है, ठीक है, तो पेल्विक कैविटी में वो आ जाती है और इसी तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर होती है लूप उसकी जॉइंट में जो है इजैकुलेटरी ड्रग्स के साथ अटैच हो जाती है। तो द वास डिफरेंस ये उसकी जो लोकेशन है और स्ट्रक्चर है वो उस वो डिफाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो द वास डिफरेंस एंड इट इज़ कंबाइंड नर्व एंड ब्लड वेसल आर इनक्लोज इनटू द कनेक्टेड टिश्यूज कॉल्ड द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ये भी एक कॉर्ड होती है जो कि कनेक्टेड टिश्यू उसमें पोल्ड होते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल और मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स वगैरह उसमें पोल्ड होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो नॉर्मल टेस्टिस का जो मतलब लोकेशन होती है और उसकी जो मतलब बैलेंस होती है, तो लिप जो टेस्टिस हैं वो थोड़ा नीचे होती है और जो राइट टेस्टिस होती है वो थोड़ा ऊपर होती है। वो मेडिकल रीज़न उसका क्या होती है, वो मेडिकल रीज़न उसका वो स्पर्मेटिक कार्ड का होता है। ठीक है, कि लिप जो टेस्टिस है उसकी स्पर्मेटिक कार्ड लेनती है और जो राइट होती तो उसकी शॉर्ट होती, तो इसी वजह से। ठीक है, फिर इजैकुलेटरी एंड डक्ट सिस्टम ऑफ द यूरेथ्रा क्या है कि बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर द इजैकुलेटरी सेस्ट इजैकुलेटरी डक्ट्स कनेक्ट द डक्ट डिफरेंस एंड सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल या सॉरी जो सेमिनल वेसिकल विद द प्रोस्टेटिक पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। तो इसी साइड पे जो है वो तो आपको पता है कि एपिडर्मिस टू साइड से आता है। ठीक है, दोनों टेस्टिस से आ जाती है, फिर ये मिल ये एपिडर्मिस स्टार्ट होती है इस जगह से। ठीक है, और फिर इस जगह में ये एक यूनियन सा बना देते हैं एपिडर्मिस, और इस यूनियन से जो है इस जगह को हम इजैकुलेटरी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से एक जो है एक ट्यूब चले जाती है प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल से पास होती है और फिर सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट में और फिर आ जाती है। ठीक है, बाहर यूरेथ्रा में, समझ गए स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास उसकी नॉर्मल सीनियरियो जो इजैकुलेटरी ड्रग्स का है। तो इजैकुलेटरी ड्रग इज़ ओनली 1 inches, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 1 inches का होते हैं और 2.5 centimeters जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, इजैकुलेटरी ड्रग जो है तो इट इज़ यू ना यूनिटी यूनिटी
विद द यूरेथ्रा टू पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जो है वो इससे पास होती है। ईच ऑफ द टू एजाकुलेटरी डक्ट्स एमिटेड इनटू द स्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, उससे जो है हमारे पास क्या होती है कि टू एजाकुलेटरी डक्ट्स उससे निकलते हैं, ठीक है। द यूरेथ्रा पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ द पेनिस, और फिर वो पेनिस जो है से वो डिस्टेंडेड हुआ है, ठीक है। इन द यूरेथ्रा मेटस एंड ओपनिंग टू द फास्ट यूरिन, ठीक है, पर वो आखिरी जो ये ट्यूब है वो ख़त्म हो जाती है यूरेथ्रा पे, ठीक है। और फिर क्या है कि द यूरेथ्रा कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, बट बिकॉज इट इज़ द यूरेथ्रल स्पेंचर एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, तो बेस ऑफ द ब्लैडर में हमारे पास एंटीरियर जो मतलब एंटीरियर एक क्या है कि एक्सटीरियर है और दूसरा जो है हमारे पास इंटीरियर है, तो जो इंटीरियर ब्लैडर स्पेंचर होती है ना, जो एक इंटरनल स्पेंचर होती है एक्सटर्नल स्पेंचर होती है, तो इंटरनल स्पेंचर हमारे पास क्या है कि ब्लैडर की नेक या इसकी बेस की जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है एंड डज नॉट डू एट द सेम टाइम, ये दो टाइम जो है स्पर्म और यूरिन एक टाइम पे नहीं एक्सक्रीट करा रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो एसेसरी ग्लैंड होती है, तो द डक्टल सिस्टम ट्रांसपोर्ट द स्टोर स्पर्म, तो ये डक्टल सिस्टम जो है जो स्पर्म स्टोर होती है वो उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो द एसेसरी ग्लैंड जो होती है विच प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड सेमेन इंक्लूड द सेमिनल वेसिकल द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो कॉपर ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, तो ये तीनों जो है प्रोडक्शन कराते हैं किस चीज़ के मतलब फ्लूइड के, सेमिनल फ्लूइड के, ठीक है। विद ईच एजाकुलेशन 2 to 5 milliliters ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 500 million स्पर्म आर रिलीज कराते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल फिर क्या है, तो द सेमिनल वेसिकल आर अ फेयर स्ट्रक्चर दैट लाई इन एट द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड प्रोड्यूस 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म, ठीक है, या सेमिन। तो याद रहे कि जो सेमिनल वेसिकल है वो 60% सेमिन को फ्लूइड देते हैं। द फ्लूइड इज़ रिलीज इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट्स टू मीट विद द स्पर्म, ठीक है, और फिर ये जो फ्लूइड होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, और हाँ इजैकुलेट हो जाती है, ठीक है, मीट विद द स्पर्म, तो स्पर्म के साथ ये मिलते हैं और फिर एक्सक्रीट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास के कि दे ये हमारे पास सिंगल है, और याद रहे कि हमारे सेमिनल वेसिकल ये हमारे पास क्या है कि डबल है, ठीक है। फिर क्या कि द सिंगल जो शेप प्रोस्टेट ग्लैंड अराउंड द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है, फिर यूरेथ्रा के अराउंड जो होती है ये प्रोस्टेट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती ना, तो ये सिंगल है और ये डोच नट शेप क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड द नेक होती है, ठीक है, और ब्लैडर की एंड यूरेथ्रा की, तो ये याद रहे कि इसमें बाद में जो है प्रोस्टेट जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की जो एक डिजीज़ है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द कंपोज ऑफ द मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। द प्रोस्टेट सीक्रेट फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट टू द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म को मोटिलिटी देता है किस कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ गए ना। फिर क्या है कि जो मसल स्मूथ मसल होती है ना ऑफ द प्रोस्टेट कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द एजाकुलेशन एक्सपेलिंग सेमेन अलोंग द यूरेथ्रा, तो स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्ट होती है और एजाकुलेट कराते हैं किस चीज़ को, स्पर्म को एजाकुलेट करते हैं, समझ गए। द एजाकुलेटरी डक्ट्स पास थ्रू द ओब्लिक थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड, तो पोस्टीरियर एक हमारे पास आपको पता है कि ग्लैंड होती है ना पोस्टीरियर पार्ट्स पे, और उसकी जो एजाकुलेटरी डक्ट्स होते हैं तो ये इससे पास होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर ने उससे बताया ना कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास एजाकुलेटरी डक्ट्स उसने लोकेटेड किया हुआ है, ठीक है, और ये क्या कि आर्टिकल है, आर्टिकल का मकसद ये भी हमारे पास जो मेन ओपनिंग होती है किस चीज़ का, स्पर्म की जो पेप्स होती है ट्यूब होती है इसका, ठीक है, और ये कॉपर ग्लैंड है, ठीक है, ये पैर में शो होती है, ये लुब्रिकेशन देते हैं, और ये किस, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। फिर क्या है कि द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑप्टन
हाइपरट्रॉफीज विद एज, ठीक है, तो एज के साथ इसमें हाइपरट्रॉफी होते हैं, मतलब उसका है कि साइज़ उसका इंक्रीज होती है। फिर जो ओल्ड एज का लोग होते हैं ना, तो उसको यूरिनेशन वगैरह में तकलीफ होती है, समझ गए। एक्सपेंडिंग टू सराउंडिंग द यूरेथ्रा एंड मेकिंग वाइडिंग डिफिकल्टी के, और फिर वो एक्सपेंड होती हैं और यूरेथ्रा को जो है वो मतलब यूरिन को क्या करा देते हैं, ब्लॉक करवाने की जो है वो कराते हैं और मसला क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, कि अभी जो कॉपर ग्लैंड है, तो कॉपर ग्लैंड आर टू पी साइज़ के ग्लैंड होते हैं, ठीक है, अंडर द मेल यूरेथ्रा एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। और जो यूरेथ्रा एंड पीनस होती है ना, तो यूरेथ्रा पीनस, ये भी द मेल यूरेथ्रा एंड पीनस हैज़ टू पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। एक यूरिन के लिए जो है कन्वेविंग फ्राम द यूरिन फ्राम द ब्लैडर एंड कैरिंग स्पर्म टू द आउटसाइड, ठीक है, और आउटसाइड तक जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है, स्पर्म और यूरिन दोनों, ठीक है। फिर उसकी जो फंक्शन है किस चीज़ के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, तो द स्ट्रक्चर हैज़ वेराइसिस, ठीक है, फंक्शन होती है मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब ये जो प्रोड्यूस करा देते हैं, प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग स्पर्म करा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि डिपोजिंग जो स्पर्म पर द फर्टिलाइजेशन, तो फीमेल के जो यूट्रस में डिपॉजिट करने के लिए ये मेल प्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होती है। और फिर डेवलपिंग द मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक जो होती है, ये भी क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है मेल प्रोडक्टिव सिस्टम्स का, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है कि फंक्शन है, तो ये इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर इंशाल्लाह हम उसकी जो फोर डिजीज़ हैं, तो हम एक एक पार्ट में जो है एक एक डिजीज़ को अपलोड करवाएंगे, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिटी लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए।